गोवा में अगले दो दिनों तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो होगा ही, साथ ही साथ ब्रिक्स और बिम्स्टेक की विस्तारित बैठकें भी होंगी। ब्रिक्स के पांच सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के नेता ब्रिक्स के साथ बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बिम्स्टेक के सदस्य देश पहले आपस में बैठक करेंगे और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और फिर ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन में उनका बाकी अन्य राष्ट्र प्रमुखों के साथ विचार विमर्श होगा। गोवा में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के साथ ही ब्रिक्स और बिम्स्टेक की विस्तारित बैठक भी हो रही है। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के नेता ब्रिक्स के साथ बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। बिम्स्टेक के सदस्य देश पहले आपस में बैठक कर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तार से बात करेंगे और फिर ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन में उनका विचार विमर्श होगा। भारत इस दौरान तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक को और मजबूत बनाने के लिए सभी प्रयास करेगा। बिम्स्टेक तो खैर हम लोगों ने सोचा था, बिकॉज एक नया ट्रेडिशन बना है कि अपने पड़ोसियों को, अपने कुछ ग्रुपों को लोग बुलाते हैं ब्रिक्स के नेताओं से मिलने के लिए, तो हमने बिम्स्टेक को बुलाया जो हमारे सबसे करीबी पड़ोसी हैं। उन सबको प्रधानमंत्री जी ने कहा था यहाँ बुलाएं हमने, तो उन दोनों उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि बड़े बड़े देशों से मिलें, बात करें और हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। भारत बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व इसलिए भी देता है क्योंकि उसका मानना है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में ये एक अहम प्लेटफॉर्म है। भारत का ये भी मानना है कि बिम्स्टेक से भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों के विकास के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ब्रिक्स के साथ बिम्स्टेक की बैठक को बेहद अहम बताते हुए पीएम ने फेसबुक पर लिखा, लगभग दो तिहाई मानवता का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सहयोग की संभावनाओं का दोहन करने और इसके लाभ हासिल करने की उम्मीद करते हैं। बिम्स्टेक देशों ने फरवरी 2004 मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए एक मसौदा समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन अभी समझौते पर दस्तखत नहीं हुए हैं। भारत की कोशिश है कि जल्द ही ये समझौता हो जाए। बिम्स्टेक The talk was about reviving the FTA, which has been pending, which has been negotiated for a very long time. सात देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के साझा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का संक्षिप्त नाम है बिम्स्टेक। जून 1997 में शुरुआत के समय इसमें केवल बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान को भी शामिल किया गया। म्यांमार और थाईलैंड का बिम्स्टेक में शामिल होना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का परिणाम था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रूप दिया है। जाहिर है सार्क के जरिए भारत सिर्फ दक्षिण एशिया में ही क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, आयात निर्यात इत्यादि कर रहा है, लेकिन बिम्स्टेक को बढ़ावा मिलने से हमारी पहुंच दक्षिण पूर्वी एशिया तक हो जाएगी। बिम्स्टेक की स्थापना के करीब 20 साल के दौरान समूह के सदस्यों के बीच परिवहन, संचार, पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी अभियान, अंतर्देशीय अपराध, व्यापार और निवेश, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कृषि, गरीबी उन्मूलन, तकनीक, स्वास्थ्य और आपसी संपर्क जैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में आतंकवाद के चलते सार्क शिखर सम्मेलन रद्द किए जाने के मद्देनजर बिम्स्टेक का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि दक्षिण एशिया के ज्यादातर सदस्य इसका हिस्सा हैं और पाकिस्तान को इस संगठन से दूर ही रखा गया है। उरी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत की कोशिशों की वजह से लगातार अलग थलग पड़ा है। ऐसे में सार्क की बजाय ब्रिक्स देशों से संवाद के लिए बिम्स्टेक को बुलाना भी भारत की इन्हीं कोशिशों के संदर्भ में देखा जा रहा है। सम्मेलन में निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर तो फोकस होगा ही, आतंकवाद का मसला भी प्रमुखता के साथ उठेगा। गोवा से सुधाकर दास और अमृतपाल सिंह के साथ न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज़।